हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द आर एंड फोर फाइव एजुकेशन आज बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में यहाँ पे मैं आप लोगों को चार से पांच वैकेंसी जो 2024 में आने वाली हैं उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब सब्सक्राइबिल तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, सब पहले बात सबसे पहले बात करेंगे एस एस सी जी ये भर्ती भी 2024 में ही आने वाली है लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है 2025 में होगा उसके बाद बात करेंगे आर ग्रुप डी दो हज़ार चौबीस और बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024 भर्ती की भी तो बने रहे हैं वीडियो पर अंत तक तो कुल मिलाकर चार से पाँच वैकेंसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है एक से डेढ़ लाख वैकेंसी जो है अभी भी 2024 में आने वाली है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस एस सी जी डी जो है चालीस से पचास वैकेंसी इस बार भी आने वाली है और ये भर्ती जो है अगस्त 2024 में ही आ जाएगी अगस्त 2024 में जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा ठीक है 27 अगस्त जो है यहाँ पे आवेदन शुरू हो रहे हैं 40 से 50000 हज़ार वैकेंसी यहाँ पे भी आने वाली है और इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो ये आपका जनवरी या फरवरी दो में जो है इसका एग्ज़ाम होगा ये जो है दसवीं पास भर्ती है यहाँ पे जो है मेल फीमेल जो है दोनों अप्लाई कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है जो एक बार फिर से आ रही है अगस्त महीने में तो अगर आप लोग दसवीं या बारहवीं पास हैं तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि काफ़ी कम समय बचा है और अब बात कर लेते हैं आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2024 हज़ार चौबीस की भर्ती जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच आ जाएगी और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी पचास हज़ार से ज़्यादा वैकेंसी इस बार भी देखने को मिलेगी यहाँ पे भी जो है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी है यहाँ पे दसवीं पास उसके साथ साथ आईटीआई आई भी मांग गया है तो कुछ पोस्ट जो है दसवीं पास के लिए हैं और अगर अगर आप लोगों ने आईटीआई आई किया है तो और अच्छा है आयु सीमा की बात करें तो अट्ठारह से तैंतीस साल एज रिलेक्सेसन भी यहाँ पर दिया गया है एस सी एस टी कैटेगरी के छात्रों को पाँच साल ओ के लिए तीन साल की छूट दी गई है यहाँ पर तो आर आर बी ग्रूप डी की वैकेंसी जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच आने वाली है और इसका एग्ज़ाम जो है मार्च 2025 तक जो है इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और अब बात कर लेते हैं आर आर बी एन टी पी सी दो हज़ार चौबीस की वैकेंसी की तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ख़ासी वेकेंसी जो है पच्चीस से तीस हज़ार वेकेंसी जो है आने वाली है अगर आप लोग जो है बारहवीं पास है या आप लोगों ने जो है ग्रेजुएसन किया हुआ है तो आप लोग जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अगर भर्ती की बात करें तो ये भर्ती जो है आप लोगों को अगस्त या सितंबर महीने में जो है देखने को मिलेगी वैकेंसी जो है मेल फीमेल दोनों के लिए होगी आयु सीमा की बात करें तो अट्ठारह से तीस साल यहाँ पे भी आयु में छूट दी जा रही है एस सी कैटेगरी को पाँच साल की छूट ओबीसी कैटेगरी के लिए तीन साल की छूट तो सितंबर या अक्टूबर महीने में जो है इसका भी नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया जाएगा तो अब बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 हज़ार चौबीस यहाँ पर भी जो है आप लोगों को चार हज़ार से ज़्यादा वैकेंसी जो है देखने को मिलेंगी ये भी वैकेंसी जो है मेल फीमेल दोनों के लिए होंगी अठारह प्लस एज जो है होना चाहिए यहाँ पर और बारहवीं पास कैंडिडेट जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे यहाँ पे मेल फीमेल जो है दोनों अप्लाई कर सकेंगे और यहाँ पे जो है मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है वो भी फोर व्हीलर का ठीक है तो जो भी कैंडिडेट तो जो भी कैंडिडेट जो है दसवीं या बारहवीं पास है उनके लिए जो है इस बार एस और रेलवे में जो है काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी जो है दो में आने वाली है